मेरी बड़ी तमन्ना सी कि युवराज सिंह की स्टोरी इज़ नॉट एन ऑर्डरी स्टोरी जिदा धोनी दी बन गई सचिन ने बना ली धोनी को कभी माफ कर पाओगे जी नहीं बिल्कुल नहीं क्यों अपनी शक्ल देखे शीशे में द ग्रेटेस्ट कैप्टन ऑफ ऑल टाइम मिस्टर कपिल देव उसको मैंने बोला मैंने कहा वो हाल करके छोड़ूंगा कि दुनिया थूकेगी तुझ पर आज युवराज सिंह के पास तेरा ट्रॉफी है तेरे पास एक ही है वर्ल्ड कप बात

लेकिन वो बनाऊंगा जरूर जब जिंदगी में लोगों को दिखाना चाहता हूँ और अगर कोई भी बच्चा मेरे पास एक महीना टिक जाएगा ना तो फिर मैं आपको शर्त लगा के कहता हूँ जिंदगी में लेजेंड बनेगा मैं अपना बच्चा लेकर रहा हूँ वो चीज मुझे बाप तो पी बीच में बोलो यार दस बार मैंने मैं को बात सुना रहा हूं आप बीच में अगर टकर टकर करते रहते स्विच का सामना में आपका स्वागत है और आज मेरे साथ हैं द वन एंड ओनली द लेजेंड योगराज सिंह सर सर वेलकम वेलकम टू तो स्विच सर योगराज सिंह सपुत्र शहीद बाबा दीप सिंह जी दी फतेह सारे कबूल करो वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी गुरु की फतेह जी सर सर आपसे मुलाकात हुई है तो एक टॉपिक पे बात तो होगी यूवी पाजी आप दोस्तों आप एक पे बात कर रहे हो मेरी किताब खुली है और मैं बोलता बेखौफ सीधा आपको पता है यू कैन टॉक पॉलिटिक्स यू कैन टॉक यू वी यू कैन टॉक फैमिली यू कैन टॉक इंडिया यू कैन टॉक द होल वर्ल्ड यू कैन टॉक ह्यूमैनिटी यू कैन टॉक गॉड यू कैन टॉक देवी देवता्स आई कैन स्टिल टॉक अगेंस्ट मैं भी जालंधर हूं आते मैं भी यही इंस्पिरेशनल है वो ना ऐसी चीज है जी सच्चे राह चलदा है उस्ताद तेरे जान मेरा रास्ता सचदा है सच बोलना किसी नु चंगा लगे ता भी ठीक है नहीं चंगा लगे भाई अपना खसबानु खा बिल्कुल ते यूवी पाजी ते बायोपिक अनाउंस हो गई है ਤੇ ਹਾਊ ਡਿਲਾਈਟਡ ਆਰ ਯੂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀ ਚਾਹਦੇ ਹੋ ਕੀ ਕੀ ਇਨਸਟੈਂਸਸ ਆ ਫਿਲਮ ਚ ਹੋਣੇ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਤਮੰਨਾ ਸੀ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਬੱਚੇ ਜਦ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ ਹਾਂ ਜਦ ਜ਼ਰੂਰਤ थी तो ਛੋਟੀ ਹੱਥ ਮੇਂ थी युवराज ਸਿੰਘ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚਲਤਾ تھا ਫਿਰ ਘੋੜੇ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰ ਉਹ ਘੋੜਾ ਕਿਹਦਾ ਭਗਾ ਆਪਨੇ ਦੇਖਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾਨ ਐਸਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਗਾ ਲਾਗੇ ਪੈਦਾ ਹੋਗਾ ਉਹ ਮੈਨੇ ਕਹਿ ਰਾ ਦੁਨੀਆ ਕਹਤੀ ਹੈ ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ Uh, मेरी बड़ी तमन्ना सी कि युवराज सिंह की स्टोरी इज नॉट एन ऑर्डरी स्टोरी जिद धोनी दी बन गई सचिन ने बना ली द ग्रेट क्रिकेटर यार उनकी उनकी स्टोरी एक डिफरेंट लेकिन उसकी स्टोरी में कुछ है नहीं उनकी स्टोरी में क्रिकेट है मेहनत है बात खत्म युवराज की स्टोरी में इतना कुछ है कि बाप ने कैसे बनाया कैसे सिखाया कैसे घर टूटा कैसे बिखरा फिर उन्होंने कंटिन्यू किया और फिर भी बाप ने सोटी रखी कि मंदिर टूटने नहीं दूंगा मे हैपन बहुत सारी बातें हुई कैंसर हुआ देश के लिए खेला बाप से पूछा गया कि आप कैसे बाप हो मेरे घर वालों ने मुझे गालियां निकाली दुनिया ने गालियां निकाली है, मेरे मेरे तो घर वालों ने यहां तक कह दिया कि तेरे ऐसा कुत्ता हराम ज्यादा आदमी पैदा नहीं हो सकता तेरे बाप नहीं होना चाहिए तेरा बाप हां जी ये ये तेरा तेरा बेटा मर रहा है तुम कुछ कर नहीं रहे मैं एक ही बात बोलता था कि मेरा विश्वास बाबा दीप सिंह जी गुरु घर शहीद सिंह मेरे को सर इतनी गालियां पड़ी हैं युवी को बनाने में और युवी के कैंसर में शायद इस दुनिया ने कोई ऐसा अल्फाज नहीं है जो नहीं बोला है तो अपने एवरीबडी सुनिए के लिए भी आपको ब्लेम मैं कहता हूं जी आप मेरे बेटे को मार डालेगा मेरे पोते नु मार दूंगा मेरे मदर मुझे हॉस्पिटल में बोलते थे मेरे 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 पोते को तुम माफ कर दो और मैं कहा मां सारी दुनिया बोलती है तू भी बोलती है तेरा बेटा ऐसा बनेगा तेरे घर में इतना बड़ा दरख्त लगेगा कि सारी दुनिया छाए माना करेगी लेकिन तब तो मेरी सुनी नहीं आप जैसे जर्नलिस्ट तब एक प्रदीप मैगजीन हुआ करता था मुझे मिला नहीं बड़ा ढूंढ रहा हूं उस आदमी को जिसने कहा था योगराज सिंह सठिया गया है प्रदीप मैगजीन की बात करता हूँ सठिया गया है डेढ़ साल का बच्चा है बोलता है ये गैरी सोबर्स बनेगा ये रिचर्ड बनेगा तो वो डेढ़ साल के बच्चे ने चमत्कार किया ना तो मुझे बहुत सारे लोग मिले नहीं बट आई थिंक मेरा एक एक पैशन था कि ऐसी पिक्चर बने जैसी रॉकी बनी हॉलीवुड की जी 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 रॉकी वन रॉकी टू रॉकी क्योंकि यूवी की जर्नी इतनी बड़ी है सो आई थिंक जब चार पांच साल पहले बात हुई तो यूवी ने कहा कि पापा uh, इसको लिखते हैं लेट्स राइट इट डाउन लिखते लिखते वो भी लिख रहा था मैं भी अपनी लिख रहा था बेसिकली दो डायमेंशन है दो लोग हैं दो चट्टान जैसे लोग हैं इस फैमिली में एक युवराज सिंह है जिसकी कहानी योगराज सिंह बगैर संपूर्ण नहीं होती करेक्ट ठीक है आप मानते हैं हाँ जी लेकिन योगराज सिंह की कहानी आ, युवी के बगैर भी पूरी होती है और सारे परिवार के बगैर भी पूरी होती है क्योंकि उसकी जर्नी है द मैन ऑफ द लॉन्गेस्ट आवर जिसने सिक्स जनरेशन देखी है आज वो बहत्तर साल का हो गया उसके साथ जो कुछ हुआ वो मेरी बायोग्राफी में है लिखी जा रही है युवराज सिंह की बायोग्राफी लिख के बन के मैं पहले बनाना चाहता हूं ताकि वो बना ले ताकि लोगों को पता लगे कि जीवन में कैसे जिया जाता है फिर कहानी उसके पिता की बनेगी योगराज सिंह की जिसमें युवराज सिंह एक छोटा सा पार्ट है क्योंकि ऑलरेडी लोग पहले देख चुके होंगे तो उसको ज्यादा एलेबोरेट नहीं करता तो मैं फिर उस बच्चे की कहानी शुरू करूंगा कि बूढ़े माँ बाप के घर में वो पैदा हुआ कैसे पैदा हुआ कैसे उसकी जर्नी चली कैसे कैसे लोगों ने उसको बैक स्टैप किया कैसे कैसे गिरा युवराज सिंह की एक कहानी है जो कहानी से क्रिकेट के साथ जुड़ी हुई है योगराज सिंह ने उसको कैसे बनाया बाकी उसमें कोई थर्ड आदमी है नहीं योगराज सिंह की इसकी ऐसी कहानी जिसमें युवराज सिंह नहीं है है खेल के उसके बाद उससे पहले और उसके बाद जो हुआ वो योगराज सिंह की कहानी है सो आई थिंक यू विल हैव टू बायोपिक्स वन इज ऑफ युवराज जो भी बनने वाली है और अभी वो बन रही है कौन क्योंकि मैंने अकेला छोड़ा है आप करो okay. जो करना है मैं जो करूंगा वो मैं अपनी कहानी में मैं करूंगा लेकिन सेमसली विल डिस्कस के एज अ फैमिली ताकि कोई चीज ऐसी ना हो जो किसी को बुरी लगे लेकिन मेरी कहानी में कुछ सच इतना है जो कि मैं उसको एक स्टोरी नहीं बना बनाने देना चाहता ये चाहता हूं कि दोनों स्टोरीज को दोनों पिक्चरों को बुक्स को ये पढ़ें और अपना अपना जीवन सुधारने की जिंदगी में जहां भी गिरो वहीं से शुरू कर लो ये मोटिवेशन है फॉर एंटायर कंट्री कंट्रीमैन एंड फॉर दी वर्ल्ड एक्चुअली सर अगर अर्जुन तंदुकर की बात करें वो भी आपके यहां आया थी ट्रेनिंग करने आप कैसा उनका फ्यूचर अभी देख रहे हैं सर 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 आपने हीरा देखा है कोले की खान वो कोला ही है निकालो पत्थर है किसी तराशगीर के हाथ में लग जाए तो चमक के दुनिया में कोई नूर बन जाता है जिसकी प्राइसलेस कीमत नहीं है ठीक लेकिन वही हीरा अगर किसी ऐसे इंसान के हाथ में लग जाए जिसका हीरो की कीमत नहीं पता उसको तोड़ के खाक कर देता है मैं ये तो नहीं कहता कि योगराज सिंह बहुत बड़ा तराशगीर है युवराज सिंह कहता है कि मेरे बाप के हाथ में मैजिक है मुझे उसने बनाया जैसे भी बनाया पहले बहुत गाली मिलती थी हिटलर ड्रैगन सिंह आई हेट माई फादर एवरीबडी हेटेड मी घर में ये बाप ने बनने के काबिल नहीं है इसको बच्चा ये नहीं वो नहीं वो सब मामा चाची ताए के बकवास करा करते थे पर वो रास्ते पे चलता रहा चलता रहा उसने एक ऐसा मुजस्मा खुदा की महफिल से खुदा के प्यार से खुदा की ब्लेसिंग से खुदा की ग्रेस से बनाया जिसको आप आज युवराज सिंह के नाम पर जानते हैं जी सो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए कि मैंने जिंदगी में क्या किया और किस तरह बना के एक मुजस्मे को तैयार किया सो आई थिंक पहले जब युवराज सिंह की कहानी बनेगी वो उस तमाम लोगों के लिए है कि जिंदगी में मौत एक मुट्ठी में जिंदगी दूसरी मुट्ठी में मैं ऐसे चलता हूं आज भी आज अब क्या हो रहा है ये जरूरी है आगे क्या होने वाला है पीछे क्या हो गया मुझे इसका पता नहीं पर मैंने एक चीज जरूर की है चल अकेला तेरा मेला पीछे छुटारा ही चल अकेला तेरा कोई साथ ना दे तो खुद से प्रीत जोड़ बिछौना धरती को करके अरे आकाश उड़ ले अभी पूरा खेल जीवन का तूने कहा खेला चल अकेला और इसके साथ युवी के लिए और उस युवी के बाप के लिए मैंने चार लाइने हैं कि तू शाहीन है तू शाहीन है, है परवाज है काम तेरा तेरे सामने आसमा और भी है इसी रोज उस शब्द में उलझ करना रह जा कि तेरे जमीन और मकान और भी हैं सितारों से आगे जहां और भी है अभी इश्क के और और भी भी क्या बात है सर अगर कोई बच्चा वाई एस अकेडमी में आना चाहता है हम इंस्टाग्राम पे देखते हैं वीडियोस आप काफी एक सख्त आपने देखा होगा बारिश पड़ रही है कि एक हेलमेट पे बॉल लगती है छूड़ा जी जी वापस चल जी

तो उस तीन साल का बच्चा अपनी मां की गोदी में बैठा है और काला कालाडूबी का जंगल्स में मचान पे बैठा है नीचे बकरा बांधा हुआ एक गड्ढा खोद के पिताजी बैठे हैं उनके पास फोर सेवेंटी राइफल है ऊपर पत्ते वत्ते डाले हुए हैं और वो बच्चा देख रहा है कि सामने सामने से शेर आ रहा है मून लाइट है और वो बच्चा ये बोलने लगा कुछ अपने बाप के लिए चीख मार लगा तो माँ ने मुंह पे हाथ रख दिया और उसका सब कुछ उस निकल गया नीचे से और मेरी माँ ने उसको होल्ड करके रखा और टाइगर आता है वो बच्चा देख रहा है मेरे फादर ने राइफल उठाई नीचे से लगाई धड़ फ्रॉम सिक्स फीट शॉट डेड इनटू द हेड और वो ऐसे गिरा जैसे माउंटेन गिरता है तो ये बच्चा स्पीचलेस खौफ इतना तो मेरे फादर ने बोला नीचे ले गयानु ऐसे बोलते थे तो मेरी मां ने आस्ता आस्ता मेरी मां भी बहुत दिलेर थी क्योंकि पिता के साथ रहती थी तो मुझे मेरे पिता ने पकड़ा यूं करके ये ऐसे शेर का बच्चा घास नहीं खाता एंड दैट वॉइस इट वेंट लाइक अ इको इन द जंगल मैंने ऐसा पकड़ के और मैं कांप गया और मुझे इस टाइगर पे बिठाया बिठाया तो उसका ब्लड मेरे यहां लिप्स पे लगा और एक लगा तब वो फ्रेश वाले कैमरे उठ के सब आ गए उनके लोग सुन के तो वो मुझे याद है कि अंग्रेज हुआ करता था वो इतना बड़ा एक, वो लाइट होती थी कैमरे का और ठप्प करके चलता था तो ब्लैक एंड वाइट फोटो आती थी हाँ जी तो वो फोटो भी मेरे पास पड़ी है फ्रॉक डाली हुई है बीच सो आई थिंक दिस तरह फिर घोड़ा घोड़ सवारी सिखाई फिर बाउज निकाला उनके पास गन्स इतनी थी पूछो ही मत बिकॉज तब बड़ा जमाना ही ऐसा था तो उन्होंने मुझे वो शूटिंग करनी सिखाई हॉर्स राइडिंग सिखाया और एक दिन क्या हुआ कि जब मैं पाँच एक साल था तो मेरे पास उन्होंने एरबिक हॉर्स मंगाया था वाइट कलर का तो वो मुझे साथ में लेके राइडिंग करते और हम लोग हंटिंग कर रहे थे दोनों कैन यू इमेजिन अस्सी साल का बाप और <laughs> साल का बच्चा बट एनी anyway, तो सडनली क्या हो पिच डार्क हो गया सर्दियों के दिन थे मेरे फादर मुझे छोड़ के जंगल में चले गए लोन ऑन द हॉर्स विद माई पिस्टल हेयर कुछ समय के लिए मुझे लगा कि यार क्योंकि वहां टाइगर जैसे थे जैसे मैनिटर्स घूमते थे तो माई डेड वॉज नो वेयर पिच डार्क होने वाली थी तो मैंने घोड़े को रिवर्स किया घोड़ा अपना घर कभी नहीं भूलता सो आई वेंट ऑन राइडिंग 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 और मेरे फादर मेरे उस घर के ना बहुत सारा ऊपर वाला टिल्ला था ऊंची हाँ जगह वहां खड़े थे देख रहे थे मेरी मदर देख रही थी वो भी घोड़े पे थे कि अगर आ गया तो ठीक है नहीं आ गया तो सोचेंगे खत्म हो गया लेकिन मैं पहुंचा तो मेरे फादर ने ना मुझे कहा वाह जाओ आज से तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी होगी तो आपने सवाल पूछा था छह साल जी का। वो चीज मेक और ब्रेक वाली बात है कि मैं वो चीज कर... यार मुझे बात तो क्यों बीच में बोलता यार दस बार मैंने बोला मत बोलो यार मैं को बात सुना रहा हूं आप बीच में कटकर करते रहते तो वो चीज ने मुझे एक ऐसा फियरलेस ब्रेव आदमी बनाया राइट तो आई थिंक मुझे इस चीज का पता है कि वो मेरी एकेडमी में ऐसी ही है मैंने यूवी को वैसा बनाया फियरलेस ब्रेव हार्ड लाइक अ माउंटेन उसके लिए बहुत मुशक्कत करनी पड़ी आपको पता ही है सबने देखा है और उसकी कंप्लेंट बहुत रही है लेकिन मैंने कभी कंप्लेंट नहीं की मेरे फादर ने बोला जिस दिन कंप्लेन करोगे ना दोस्त उस दिन दुनिया से चले जाओगे लेकिन आज के बाद ना बाप की जरूरत है ना मां की जरूरत है छह साल का बच्चा योगराज सिंह बहत्तर साल का बन गया फियरलेस ब्रेव स्ट्रॉन्ग हार्ड लाइक अ माउंटेन वही ट्रेनिंग युवराज की हुई वही ट्रेनिंग आज एकेडमी में होती है मैं सर आपसे शर्त लगा के कहता हूं और ये मेरी आवाज रिकॉर्ड करना आप कोई माँ बाप अपने बेटे को मेरे पास एक साल के लिए छोड़ जाए वह तो छोटा बच्चा पांच साल का ले आओ दस साल दे दो फिर देखो क्या होता है बिकॉज इट टेक्स अबाउट टेन टू फिफ्टीन ईयर पर अगर कोई भी बच्चा मेरे पास एक महीना टिक जाएगा ना

जब युवी था तब भी ऐसे था उठ बेटा चार बजे भाग भाग भागेगा नहीं भागूंगा तेरा बाप भी भागेगा घर में माँ मेरी बोलती थी मेरे पोते का ये वो मैं माँ चुप कर गांव चल बीवी को बोला गड फ्रॉम द हाउस ये इसको भी ले जाओ लेकिन मैं बनाऊंगा अगर तुम इसको ले जाओगे तो एक पैदा और करूंगा एक शादी और करूंगा लेकिन वो बनाऊंगा जरूर जो जिंदगी में लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि योग है जिसको तुमने नीचे घेरा था आज सारी दुनिया के नीचे है ये तो ऐसा है। सलाम करती है और वो लोग जिन्होंने बहुत बुरा किया था किसी को कैंसर है किसी का घर टूट गया कोई मर गया जिन्होंने बुरा और किसी के घर में बेटा ही नहीं है अब समझता मैं किसकी बात करता हूं जी उस आदमी ने जो किया वो आपके द ग्रेटेस्ट कैप्टन ऑफ ऑल टाइम मिस्टर कपिल देव उसको मैंने बोला मैंने कहा वो हाल करके छोड़ूंगा कि दुनिया की तुझ पर आज के पास ट्रॉफी है तेरे पास एक ही है वर्ल्ड कप। बात खत्म। को कभी माफ कर पाओगे? जी नहीं बिल्कुल नहीं क्यों अपनी शक्ल देखे शीशे में जो कुछ आदमी ने किया है वो मेरा बेटा है बहुत बड़ा क्रिकेटर है मैं आदर सम्मान करता हूं लेकिन जो उसने मेरे बेटे के अगेंस्ट किया है अब पत्ते खोड़ रहे हैं ना सारे उस जिंदगी में कभी माफी नहीं दी जा सकती मैंने जिंदगी में दो काम नहीं किए सर अपने जिन्होंने मेरा बहुत बुरा किया उनको कभी माफ नहीं किया हां छोड़ दिया खुदा तू जाने तो ये जाने और दूसरी बात उन लोगों को कभी गले से नहीं लगाया बेशक वो मेरे घर वाले क्यों ना हो मेरे बच्चे क्यों ना हो उस आदमी ने मेरे बेटे का जीवन मेरी जिंदगी मेरे बेटे खत्म की है जो कि चार साल पांच साल क्रिकेट और खेल सकता था उसके साथ जो मिले हुए लोग हैं उनको भी सलाम लेकिन बता दूं, युवराज सिंह जैसा बेटा कोई पैदा करके दिखाए और मैं नहीं कह रहा गौतम गंभीर कहता है वीरू कहता है दुनिया कहती है मैं नहीं कह रहा कि ना ऐसा कभी प्लेयर पैदा हुआ था ना हुआगा। मैं समझता हूं इस देश को भारत रत्न देना चाहिए युवराज सिंह को जो कैंसर से खेल के इस देशवासियों के लिए और देश की लड़ाई है लानत है कि हमारे देश में वो लोग जो जिंदगी में राज कर रहे हैं उनको यह भी शर्म नहीं है कि एक आदमी एक बेटा जो जिंदगी में अपनी जान पे खेल गया अपने देश के लिए फौजियों की तरह उसको कोई भारत रत्न भी दे दे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरी तरफ से मेरे बेटे को खुदा ने ब्रह्मंड रत्न दिया हुआ है ऐसा बेटा इस धरती पर ना कभी पैदा होगा और ना ही हुआ होगा बिल्कुल दी एंड की स्टोरी ये बिल्कुल थैंक यू सर थैंक यू इंटरनेशनल इंटरव्यू है सर हाँ जी सर छाप देना इसको